शिविर नारंग का रिएक्शन हाल फिलहाल सामने आ चुका है वाइल्ड कार्ड एंट्री पर, और क्या कुछ कहा है शिविर ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, शिविर नारंग, बहुत सारे रूमर्स ऐसे चल रहे थे जहाँ पर कहा जा रहा था कि शिविर नारंग जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं बिग बॉस के घर में, लेकिन हाल फिलहाल अब शिविर का रिएक्शन भी सामने आ गया है। वेल, प्रिडिक्शन ये भी किया जा रहा था कि अगर शिविर जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लेते हैं बिग बॉस के घर में, तो कहीं ना कहीं तीजरन के बीच में कुछ तो डिस्टेंस आएगा, क्योंकि रूमर बॉयफ्रेंड रह चुके हैं तेजस्वी के, यानी कि फैंस इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन दोनों ने जो है इस बात पर रिएक्ट करते हुए ये चीज़ कही थी कि हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कुछ ऐसा है नहीं। तो वही मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे दोस्त है शिविर तेजा के, यानी कि तेजस्वी प्रकाश के, तो फैंस जो है उन्हें देखना चाह रहे थे बिग बॉस के घर में, लेकिन शिविर का रिएक्शन हाल फिलहाल सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि अगर फैंस को ऐसा लगता है कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर जो है बिग बॉस के घर में जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ बिग बॉस के घर में। तो कहीं ना कहीं फैंस की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर चुका है, और शिविर नारंग जो है वो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के रूप में जो है नजर नहीं आने वाले हैं। वेल, आपकी क्या रिएक्शन रहा है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।